ये औरत एक पहेली है जो अक्सर हल नहीं होती। सुनो, तुमने कभी साहिल पे बिखरी रेत देखी है? समुंदर साथ बहता है मगर उसके मुकद्दर में हमेशा प्यास रहती है। सुनो, तुमने कभी सहरा में जलते पेड़ देखे हैं? सभी को छांव देते हैं मगर उनके सिले में धूप मिलती है। सुनो, तुमने कभी शाखों से बिछड़े फूल देखे हैं? वो खुशबू बांट देते हैं बिखर जाने तलक, लेकिन हवा का साथ देते हैं। सुनो, तुमने कभी मेले में बजते ढोल देखे हैं? अजब है अलमिया उनका, बहुत ही शोर करते हैं मगर अंदर से खाली हैं। यही औरत का किस्सा है, यही उसका फसाना है। ये औरत एक पहेली है जो अक्सर हल नहीं होती। और जब कोई औरत ये कह देती है ना कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने दुनिया के सारे मर्दों को आजमाया है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि उसने जिस शख्स को आजमाया है वो शख्स ही उसकी दुनिया थी। औरत को तो जंग में भी मारने की इजाजत नहीं है, और यहाँ लोग मोहब्बत में मार देते हैं। और ऐसे मर्दों के लिए मोहब्बत एक ड्रामा होता है जिसकी आखिरी किस्त औरत का जिस्म होता है। तुम शब की स्याही में मुझे कत्ल करोगे, मैं सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलूंगा। पता है सब लोगों ने मर के कब्रों में जाना होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मर के भी दिलों में जिंदा रहते हैं हमेशा के लिए। दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते। जमीन का कर्ज तो बेटे चुकाते हैं मगर वतन जब जीत जाता है तो माएं बेटों को हार जाती।